पंजाब लोक गीतां दी धरती है। इत्थों दा हर एक वासी गीतां विच जन्म लेंदा है, गीतां विच ही जीवन मानदा है अते अंत गीतां विच ही मर जांदा है। लोक गीतां दा संबंध पंजाब दे पूरे सभ्याचारक जीवन नाल हुंदा है। लोक गीतां दी रचना कोई एक विशेष व्यक्ति कवि नहीं करदा, सगों इह तां सधारण लोकां दे जो दिल विचों भाव निकलते हैं वह गीतों के रूप में जड़े ने उन्होंने जड़ा बहाव वहिंदा है, धारा फुट पैंदी है पानी के चश्मे वांगू। मतलब कि कोई एक रचना नहीं करता व्यक्ति लोक गीतों की, सगों ये जन साधारण लोगों का जड़ा वा वह लोक गीत जड़ा वा वह रूप होंगे। लोक गीतां विचली सादगी जो है वह अंतरी भाव ते कल्पना जड़ी आ वह उडारी दी बेजोड़ जड़ी मिसाल हुंदी है। कल्पना जड़ी आ वह किते कल्पना जड़ी आ वह हुंदी है, वह भी जड़ी असी बयान नहीं कर सकते। जिद्दां एक लाइन हैगी है लोक गीत दी कि घुंड कढ लै पत्तन ते खड़िए पाणियां नूं अग लग जू, बेजोड़ कल्पना दी उडारी हुंदी है। जदों जन्म तो बाद बच्चा थोड़ा वड्डा हुंदा है ते बच्चा जिहड़ा वा मां जदों घर दे काम करदी है ते उसका ध्यान अपने छोटे बच्चे वाल भी रहिंदा है। छोटा बच्चा उहनूं बार बार तंग करदा है, कदी उहदे रसोई दे कम्मां विच हथ मारदा है, जे उह किते पीसण पिंदी हैगी पीण पिंदी दाणियां वल तां हथ मारदा है, अग वल जांदा है ते मां नूं सुझाउण वास्ते उन्हों रुझाने वास्ते भी इनू मैं सुवा देवा इनू मैं किसी काम आरे ला दा उन्हों जड़ा वा वह लोरियां जड़ियाँ वह सुना शुरू कर देंदी है। तो लोरी जड़ी आ वह बचपन के लोक गीतों का एक अहम जड़ा वा वह हिस्सा हैगा है। अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बावा कणक लियावेगा, बावी बैठी छटेगी मां पूनिया वटेगी, बाई मन पकाएगी ते बावा बैठा खाएगा। बचपन के जड़े ये लोक गीत लोरियां ये जी मिसाल जी देखने को मिलती है पंजाबी लोक गीतों के। फिर जदों जवानी शुरू होने मुंडे कुड़ियां दे नाल संबंधित रुत्तां नाल संबंधित त्यौहारां नाल संबंधित गीत शुरू हो जाते हैं, जिवें बसंत तिरंजन विसाखी लोहड़ी आदि अनेक गीत जड़े आ वह पंजाबी लोक गीतों में जड़े आ वह मिलते हैं। जड़े आ ये जड़े लोक गीत जड़े साढ़े हैगे आ ये जड़े अपने जो मन च विचार उठते हैं ने उन्होंने जड़ा वा दूजिया के नाल पेश करन दा जड़ा वा इको सौखा तरीका जड़ा वा वह मनिया जाता है। फिर जदों जवानी तो बार मुंडे या कुड़ी का विआह हुंदा है तो मुंडे दे घर कुड़ी दे घर एक अलग ही जड़ा वा विआह वाला माहौल देखने को मिलता है। हफ्ता हफ्ता पहले ही जड़ा वा मुंडे दे घर कुड़ी दे घर गीत बिठाए जाते हैं, गाउन बिठाया जाता है। मुंडे दे घर जड़ा है वह घोड़ियां गाइया जांदियां, सत सत अठ अठ दिन जड़े गीत गाए जाते हैं नाच गाने। कुड़ी दे घर सुहाग जड़ा जड़े वह बिठाए जाते हैं, सत सत अठ अठ दिन बोलियां नाच गाने सब कुछ हुंदा। रात देर रात तक जड़ी आ टिकी रात दे विच जड़े तारियां दी छां तारियां दी लो हेठ जड़े ने यह विआह दे जड़े लोक गीत जड़े ने वह गाए जाते हैं। तो फिर विआह जदों विआह दा दिन जदों आ जांदा तो जंज आउंदे जिहड़ियां औरतां हैगियां वा वह इकट्ठियां हो के जिहड़ियां मुंडे नूं जिहड़ियां वा वह सिठनियां देणियां लग शुरू हो जांदियां। सिठनियां भी जिहड़ा वा वह विआह वाले मुंडे नूं जिहड़ा वा वह मन परचावा दा करन दा जिहड़ा एक सौखा जिहड़ा तरीका जिहड़ा वा वह लोक गीतां दे विच उहदी झलक पैंदी है। साढ़े तां वेड़े मुढ मुकई दा, दाने तां मंगदा उदल गई दा, ਭੱਠੀ ਤਪਾਉਣੀ ਪਈ ਨੀ ਲੱਜਿਓ ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨੀ ਲੱਜਿਓ ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਨਾਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਓਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੱਸ ਬਗਿਆੜੀ ਟੱਕਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਲਾਡਲੀ, ਮਹਿਣਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।